नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। तो अश्लील फिल्मों बनाने के केस में गिरफ्तार शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रहने वाले हैं। इसी बीच मुंबई पुलिस ने उनके ऑफिस और कुछ अन्य ठिकानों पर छापे मारे हैं। इसमें राज कुंद्रा के ऑफिस में लगे कुछ कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क और सर्वर को भी सीज किया गया है। माना जा रहा है कि यहीं से वे ट्रांसफ़र के जरिए अश्लील वीडियोज अपलोड किया करते थे। इसके अलावा कुछ अन्य दस्तावेज भी पुलिस ने जब्त किए हैं। वहीं अब राज कुंद्रा के वकील का बयान सामने आ चुका है। वकील ने कोर्ट में कहा कि कंटेंट को पोर्नोग्राफी कहना सही नहीं हो सकता। इस रिमांड में कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया है जिससे कहा जा सके कि राज और रेयान पोर्नोग्राफी कंटेंट बना रहे थे। कंटेंट वल्गर था लेकिन उसे अश्लील नहीं कहा जा सकता। जी हाँ दोस्तों, राज की गिरफ्तारी पर वकील आगे कहते हैं कि गिरफ्तारी तब होती थी जब उनके बिना जांच आगे नहीं हो सकती थी, लेकिन इस केस में गिरफ्तारी के बाद उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई। राज के वकील ने यह भी कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के हिसाब से नहीं हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस ने राज कुंद्रा का आईफोन और उनका लैपटॉप भी जब्त किया है जिसे जाँच के लिए भेजा जा चुका है। राज कुंद्रा के अलावा उनके बहनोई प्रदीप के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। मुंबई पुलिस के मुताबिक प्रदीप भी इस केस में राज कुंद्रा के साथ काम कर रहे थे। बख्शी हॉटशॉट ऐप बनाने वाली कंपनी कैनविन के को ऑनर थे। दोस्तों जांच में पता चला है कि कुंद्रा ने हॉटशॉट ऐप को मेंटेन करने के लिए किसी और को ये काम सौंपा हुआ था, जिसके लिए इस ऐप को मैनेज करने के लिए राज कुंद्रा उस इंसान को 3-4 लाख रुपए हर महीने दिया भी करते थे। आपको बता दें कि इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच जल्द ही शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ कर सकती हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि शिल्पा अधिकतर बिजनेस में पति राज कुंद्रा की पार्टनर रही हैं और इसी वजह से शिल्पा पर भी शक जाता है। नेक्स्ट टाइम लाइव की रिपोर्ट।